बालाजी, अगर मेरे माँ बाबूजी ने आपसे कुछ भी गलत कहा है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके माँ बाबूजी तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। माँ, मैंने पहले ही आपको समझाया कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं, वो लोग आपकी एक बात नहीं सुनेंगे। मेरी वजह से आपको भी कितना कुछ सुनना पड़ा उनसे। बेटा, निशांत में बस यही कमी है, वो जब सोच लेता है कि यही सही है तो उसी को सही मानता है, वो किसी की नहीं सुनता। शुरू से ही वो अपने फैसले खुद लेता आया है, कहीं इस बार भी छिद में आकर उसने कोई फैसला ले लिया तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। आपका मतलब निशांत भैया मौसा मौसी के खिलाफ जाकर उस माला से? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो सिर्फ तेल देखो, तेल की धार देखो, कुछ दिन में खुद ही पता चल जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। यानी कि निशांत भैया के घर में अभी कुछ दिन और ड्रामा चलने वाला है? हाँ बेटी, तगड़ा ड्रामा, और इस ड्रामे की वजह से हम बचे रहेंगे उस वसुधा को लेकर। और कुछ दिन में ये वसुधा इस घर में नहीं आई ना तो इस घर से उसका दी एंड कैसे होगा, ये तो मैं सोच ही लूंगी। तू एक बात ध्यान में रखना कि वसुधा की माँ यहाँ पर आई थी, ये बात अमर को हरगिज नहीं पता चलनी चाहिए, कहीं वो इमोशन में आकर वसुधा को माफ ना कर दे, जो मैं हरगिज नहीं चाहती। ऐसी क्या खास बात थी कि आपने मुझे ऑफिस जाने से रोक लिया? वो माला जी, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी थी अपने बारे में। कोई खास बात है क्या? माला जी, दरअसल बात यह है कि मेरे घर वाले, खास करके मेरे बाबूजी, वो चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर सेटल हो जाऊं लाइफ में। इनफैक्ट उन्होंने तो एक रिश्ता भी देखा है मेरे लिए। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या निशांत जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। इतनी अच्छी खबर कोई इतना सस्पेंस फैला के देता है क्या? तो माला जी, मेरी शादी की बात आपके लिए खुशखबरी है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं माला जी, मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ ये है कि अगर मैं आपसे अपनी शादी की बात करूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? आप भी कमाल करते हैं निशांत जी, आपकी शादी की बात का भला मैं क्यों बुरा मानूंगी? आपका घर बसने जा रहा है, आप नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं, मैं तो मुबारकबाद दूंगी आपको। वैसे लड़की कैसी है, आप मिल तो चुके होंगे उससे? नहीं माला जी, बाबूजी ने जिस लड़की को चुना है शादी करने के लिए, उस लड़की से ना ही मैं मिला हूं और ना ही मैंने उसे देखा है। लेकिन हाँ माला जी, जिससे मैं शादी करना चाहता हूं उसे मैं देख भी चुका हूं, मिल भी चुका हूं और उसे अच्छे से समझ भी चुका हूं। ओ, यानी कि आप किसी और लड़की से प्यार करते हैं और इसके बारे में आपके माँ बाबूजी को पता ही नहीं? जी माला जी, मैंने सोचा पहले मैं उससे बात कर लूँ जिससे मैं प्यार करने लगा हूँ, जिसे मैं चाहने लगा हूँ, देख तो लूँ कि उसके मन में मेरे प्रति क्या भावना है, फिर माँ बाबूजी से कहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी पसंद को मना नहीं करे। एक मिनट, बड़ा कंफ्यूजन है। आपका मतलब है आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उसे पता ही नहीं है कि आप उसे प्यार करते हैं? जी, मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं। अरे तो पूछना था ना। वही पूछने तो मैं
यहाँ पे आया हूँ। निशांत जी, मुझसे नहीं, उस लड़की से जाके पूछिए जिससे आप प्यार करते हैं। उसी से पूछूंगा। माला जी, क्या आप मेरी हमसफर बनेंगी? मैं अपनी बाकी की जिंदगी आप ही के साथ गुजारना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं निशांत जी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ माला जी। देखिए, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, फिल्मी डायलॉग्स मुझे नहीं आते बोलना, सीधी बात करता हूँ, साफ साफ करता हूँ। माला जी, मुझे आप पहले दिन से अच्छी लगने लगी थी, जब एनजीओ में हमारा झगड़ा हुआ था। फिर जब वसुधा से आपके बारे में जाना, तो आपके लिए मेरी चाहत और बढ़ने लगी। और जैसे जैसे मैं आपसे मिलता रहा, मुझे ऐसे लगने लगा माला जी कि मुझे आपसे प्यार हो गया। और मैंने फैसला कर लिया कि अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आप ही से शादी करूंगा। नहीं निशांत जी, ये नहीं हो सकता। मैं कैसे शादी कर सकती हूँ निशांत जी? मैंने आपको सिर्फ अपना दोस्त समझा। माला जी, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या बुराई है कि हम दोनों शादी कर लें? मैं माँ बाबू जी को मना लूंगा, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। आप समझ नहीं रहे हैं निशांत जी, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं आपसे क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकती। दीदी, क्या हुआ, कहीं नौकरी की बात बनी? अभी नहीं अर्जुन, मैं सोच रही थी कि पहले टॉयज कंपनी में सर्विस ज्वाइन करने की कोशिश करूं, मुझे काफी एक्सपीरियंस है ना वहां काम करने का। फिर मैंने कई जगह बात की थी, पर कोई मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है। ज्यादातर कंपनियां जानती हैं कि मैं एक ही टॉयज कंपनी के मालिक की बीवी, शायद इसीलिए अब उन्हें मेरी परिस्थिति के बारे में तो नहीं बताया ना। तो क्या हुआ दीदी, आप तो किसी भी कंपनी में काम कर सकती हो। दीदी, आपके पास इतना टैलेंट है, अनुभव है, और आप अकाउंट भी इतना अच्छा जानते हो, आपको तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। देखती हूँ, दूसरी कंपनियों में ट्राई करती हूँ। दीदी, आप वापस एनजीओ वाली नौकरी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? वो आपको और आपके काम को अच्छे से जानते हैं। हाँ, पर मैं वहाँ काम नहीं करना चाहती। वो लोग मेरे बारे में, इनके बारे में सब जानते हैं, 10 तरह के सवाल पूछेंगे जो मुझे नहीं पसंद आएगा। तो क्या करोगी दीदी, कहीं तो काम खोजना ही पड़ेगा, नहीं तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप समझ रही हो ना? तू चिंता ना कर, मैं जल्दी ही कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढ लूंगी। हाँ दीदी, जल्दी। मैं भी देखती हूँ अपने बॉस से बात कर, अगर ऑफिस में कुछ हुआ तो। ठीक है दीदी, चलती हूँ। क्योंकि अब मैं खुद ही शादी नहीं करना चाहती। मेरी जिंदगी का अब बस एक ही ध्येय है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करके उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना, सिर्फ उनकी खुशी के बारे में सोचना, उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के लिए मरना, और किसी की मेरी जिंदगी में
कोई जगह हो ही नहीं सकती। माला जी, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। आपके बच्चों के प्रति जो आपका समर्पण है उसे भी समझ सकता हूं। मेरा यकीन कीजिए माला जी, मैं कभी आपके और बच्चों के बीच में नहीं आऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें उतना ही प्यार करूं जितना आप करते हैं। उनकी परवरिश के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं जानती हूं निशांत जी आप ये सब करेंगे, लेकिन फिर भी मैं शादी नहीं करना चाहती। माफ कीजिए मान जी, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है ना कि मैं आपकी बेबसी और आपकी लाचारी को देखकर आपसे हमदर्दी जता रहा हूं, आपसे शादी की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा है माला जी तो ये आपकी गलत फहमी। ऐसे घटिया सोच का इंसान नहीं हूं माला जी। किसी की खुददारी, किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर मैं उसे अपनाना नहीं चाहता। मैं आपके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती निशांत जी। आप एक बहुत अच्छे इंसान, जानती हूँ। आपका दिल बहुत साफ है, ये भी जानती हूँ। कोई भी लड़की आपको पति के रूप में पाकर गर्व महसूस करेगी। पर मैं नहीं, क्योंकि मैं अपने दिल, अपनी ममता के सामने मजबूर हूं। उम्मीद करती हूं कि आप ये बात समझ रहे होंगे। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन फिर भी माला जी, एक बार, सिर्फ एक बार मैं चाहूंगा कि आप ठंडे दिमाग से मेरे प्रस्ताव के बारे में सोचिए। देखिए, हर इंसान को जीने का अधिकार होता है, अपनी खुशियों के बारे में सोचने का हक होता है उसे। प्लीज हर बात को नेगेटिव तरीके से मत सोचिए, बातों को पॉजिटिव तरीके से सोचना भी सीखिए माला जी। ठीक है माला जी, चलता हूं। आपके पॉजिटिव रिप्लाई का इंतजार रहेगा मुझे। ख्याल रखिए अपना। सॉरी निशांत जी। वो लोग बस इसी का इंतजार कर रहे थे माला। जैसे ही कंपनी की स्थिति फिर से ठीक हुई, उन्होंने मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका। तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई और मैं अनजान हूं। अगर मैं तुम्हें फोन नहीं करती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। अब क्या कहूं माला, बस इतना समझ लो कि सब्र का बांध टूट गया। इतना बड़ा फैसला घर छोड़ने का बहुत मुश्किल होता है माला। समझ सकती हूँ वसुधा, तुम्हारे ससुराल वालों का जो तुम्हारे साथ व्यवहार है जानती हूँ उसे। पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कितनी सहनशील हो, परिवार को बनाए रखने में विश्वास करती हो। उसके बावजूद तुमने इतना बड़ा कदम उठाया तो जरूर कोई ऐसी घटना घटी है तुम्हारे साथ। माला, मैं घर छोड़कर नहीं आती। अगर
इन्होंने मेरा साथ दिया होता, लेकिन अपनी माँ के साथ साथ इन्होंने भी मुझ पर, पहले निशान भाई साहब को गोली लगने का इल्जाम उन्होंने मुझ पर और तुम पर लगाया, और उसके बाद रोज सुनाते थे, मैं चुप थी, पर बाद में उन्होंने मेरा ऑफिस जाना बंद करवा दिया। वो क्यों? अभी अभी तो तुमने कंपनी को फिर से डूबने से बचाया था, रात दिन मेहनत करके उसे वापस मार्केट में खड़ा किया है। वो लोग बस इसी का इंतजार कर रहे थे माला, जैसे ही कंपनी की स्थिति फिर से ठीक हुई उन्होंने मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका। पर क्यों? क्योंकि अब इन्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। मेरी ननद सुमन वो भी ऑफिस जाने लगी, चाचा जी की कुछ प्रॉपर्टी भी बेची है इन लोगों ने, हाथ में बहुत पैसा आ गया। इसका मतलब इन लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए तुमसे एनजीओ की नौकरी छुड़वाई? हाँ माला, मेरी शर्त भी इन्होंने खुशी मन से नहीं मानी थी, मजबूरी में मानी थी, अपने मन में बदले की भावना रखकर मानी थी। वसुधा, उन लोगों ने बहुत गलत किया मैं मानती हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम कहीं और नौकरी ढूंढ लेती या वापस एनजीओ में आ जाती मेरे साथ। माला, मैं इनकी हर ज्यादती सहने को तैयार थी, अगर वो मुझे कहीं और नौकरी करने देते तो। मतलब इन्होंने और मम्मी जी ने साफ साफ कह दिया कि मुझे कहीं और नौकरी नहीं करनी है, घर पर ही रहना है। इस बात पर मेरी उनसे बहस भी हो गई थी, तो उन्होंने मुझे घर छोड़कर जाने को कह दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने मुझे तलाक की भी धमकी दे दी। मैं क्या करती मान, मेरे ऊपर इस घर की जिम्मेदारी थी, मेरे भाई बहनों की जिम्मेदारी थी, इस घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी थी। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो क्या होता इनका? तो ये बात तुमने समझाई नहीं उनको? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की माला, पर वो लोग तो जैसे कसम खाए हुए बैठे थे कि मुझे नौकरी करने ही नहीं देनी है। यहां तक कि इन्होंने ये कह दिया कि मुझे सिर्फ अपने ससुराल वालों के बारे में ही सोचना है बस। मैं तो यही चाहूंगी कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, तुम्हारे बीच में जो भी अनबन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो दूर हो जाए। तुम्हारे यहां आने के बाद अमर का कोई फोन आया था क्या? सुधा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तुमने गलत कदम उठाया है, लेकिन मैं ये सोचकर चिंतित हूं कि आगे क्या होगा, कहीं तुम दोनों के बीच की दूरियां ज्यादा ना बढ़ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपना जीवन उनके बिना अकेले ही बहुत पीड़ा है इसमें वसुधा, तकलीफ है,
दर्द है, पति के साथ न रहने से औरत की जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है। वसुधा, मैं तो यही चाहूंगी कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। तुम्हारे बीच में जो भी अनबन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो दूर हो जाए। मैं समझती हूँ मालू, कोई भी औरत अपनी खुशी से पति से दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं जब मैं तराजू के पलड़े पर एक तरफ अपनी खुशी और दूसरी तरफ अपने परिवार की खुशी रखती हूँ, तो मेरा पलड़ा हल्का हो जाता है माला। मेरे लिए मेरी खुशी से बढ़कर अपने इस परिवार की खुशी है। घंटे में ऑफिस से आने वाला था ना, फिर इतनी देर कहां लग गई? देख तो तेरा चेहरा कितना लटक गया, कितना थक गया है। क्या जरूरत है इतना काम करने की? एक दो दिन रुकता फिर ऑफिस जाता। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल बेटा। माँ आप प्लीज बाबूजी को मना कर दीजिए कि वो मेरे रिश्ते की बात कहीं और ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा रिश्ता कहीं और तय कर लें और फिर मैं मना कर दूं, खामखा बात का पतंगड़ बन जाएगा। नहीं बेटा, अब मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, अब तो तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, जिस लड़की से तू कहेगा उससे तेरी शादी करेंगे, हम अपने मन से नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ माँ कि प्लीज बाबूजी को मना कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले से किसी लड़की को पसंद करता हूँ। निशान जी, मैं बार बार आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन मेरा जवाब अब भी वही है जो सुबह था। आप कहना क्या चाहते? मैं अपने बेटे को उस माला की जिंदगी से निकालना चाहता हूं, दूर करना चाहता हूं। अब मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है, दूसरी शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती।